ए मेरी जिंदगी, आज तुझे गले लगाते हैं, तुझे संवारते हैं, तुझे सजाते हैं, तुझे हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते जीना सिखाते हैं। मैं हूँ मेरी जिंदगी, आ तुझे प्यार से शिद्दत से बुलाते हैं। लव यू जिंदगी। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, डॉक्टर नीतू सिंह चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स पे आकर, और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो वो आप सजेशन में आप कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए उस तरीके का वीडियो लाने का। और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। फ्रेंड्स, आज की फिर वही अहम टॉपिक है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन की कई सारी वीडियोस मेरी आ चुकी है। और एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि मतलब उनके बारे में और उनके थॉट्स के बारे में बताना कहना मुश्किल है। तो उन सारे पेशेंट को देखते हुए और उनका ट्रीटमेंट करते हुए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों को सतर्क कराया जाए और आप लोगों को नॉलेज हो कि डिप्रेशन क्या है। कि डिप्रेशन को समझते नहीं है कि वो बीमारी है या कुछ नॉर्मल डिजीज़ है या क्या है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे सिम्टम को ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल डेज में होता है या नॉर्मल लाइफ में होता है, ये सोच के वो इसको इग्नोर करते जाते हैं। और धीरे धीरे ये इतना लंबा टाइम ले लेता है कि ये सीरियस डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। तो ये जैसे अब मैं बता रही हूँ आपको कि लोग पहले समझते नहीं है कि डिप्रेशन है क्या या डिप्रेशन के सिम्टम क्या हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। तो मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये पानी का भरा हुआ बॉटल है, ये आप लोग देख रहे हैं। अब इस बॉटल को मैं, आप सभी देख रहे हैं कि मैं हाथ में पकड़ के रख रही हूँ अभी। ये मैंने पकड़ा, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये कुछ पहले लगेगा कि ठीक है हम इसको रख सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हाथों में कंपन होना शुरू हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, पेन होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट टाइम में कुछ वक्त के बाद ये सिचुएशन ऐसे आ जाएंगे कि बहुत पेन होना शुरू हो जाएगा हाथों में, हाथों से लेके पूरा शरीर हमारा इफेक्टेड हो जाएगा और हर जगह दर्द। और ये मजबूर हो जाएंगे कि इसको या तो फेंक दे या तो कहीं रख दे। ये हम कितनी देर तक संभाल के रख सकते हैं? अब कहने का मतलब मैं बाद में समझाऊंगी कि पानी की बॉटल अगर हमने हाथ में रखी हुई है और एक ही पोजीशन में रखा हुआ है और उसको कंटिन्यूसली अगर हम एक पोजीशन में रख रहे हैं तो हम कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितनी देर तक सहन कर सकते हो इस भरे हुए पानी की बॉटल को, क्योंकि ये भारी है। अब ये धीरे, अब पहले तो सही लग रहा है पर ये धीरे धीरे लगा कि चलो हम इसको संभाल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हमें पेन करने लगा है, तकलीफ देने लगा है, क्योंकि हम इसको इसी अवस्था में कंटिन्यूसली हम नहीं रख सकते। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई कि अब इसके बाद मेरे हाथों में पेन होने लगा तो हम क्या करेंगे? अब इसको मैं चाहूंगी कि मैं रख दूं, तो इस बॉटल को मैंने रख दिया। अब मैं कहना ये चाहूंगी कि समझिएगा इस बात को कि अगर कोई बात हमारे दिमाग के अंदर, अब डिप्रेशन के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई बात जो बहुत बचपन से आ रही है, जब क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो वो एकदम से नहीं आती है,
वो कुछ ऐसे वाक्या हुए होते, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से रीज़न होते हैं जो वो बचपन से ही रिलेटेड बातें होती है। कि मान लो कुछ आप बचपन में हो, आप अलोन फील कर रहे हो, कुछ आपके साथ में ऐसा हादसा हुआ है जो बहुत बैड था, जो आप बता नहीं सकते हो किसी को, और उसको आप लेके आगे बढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है और वो आप किसी को नहीं बता रहे हो, या अचानक से कोई बात आपके दिमाग में कुछ ऐसे किसी दूसरे के साथ भी हुई है, तो आप उस बातों को सोच रहे हो और वो सोच को आप लेके ढोते जा रहे हो आगे। तो जब किसी निगेटिव थॉट्स को या कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ में हो गई है, जो आप किसी से डिस्कस नहीं किए हो, बताए नहीं हो, और बस आपके दिमाग में कहीं पड़ा हुआ है और आप उन बातों को सोचते जा रहे हो, और उसके सोचने से आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो जिस तरीके से ये बॉटल एक ही दिशा में हम नहीं संभाल के रख सकते हैं, और अगर हमने रखा है तो वो पेन कर रहा है, इसी तरीके से कहीं अगर हमारे माइंड के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे कोलाहल चल रहे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो वो कब तक रहेगी? वो पेन करेगा, वो तकलीफ देगा, और वो जैसे कि अब मान लो अब हमारा माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा मन और हमारी कंप्लीट बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैंने इस बॉटल को अब क्या किया कि पेन हो रहा है ज़्यादा, अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, करना क्या है कि अब इसको हाथ से नीचे उतारना है, कहीं रख देना है। तो इस तरीके से ही माइंड में जो चीज़ें चल रही है, जो निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और आप मानसिक तौर से या मानसिक जो डिसऑर्डर है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे आप गुजर रहे हो, मेंटल हेल्थ से अगर आप गुजर रहे हो, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना है। उस थॉट्स को, जो थॉट्स आपको परेशान कर रही है, उससे आपको बाहर निकलना है, उसको निकाल फेंकना है। जिस तरीके से मैंने ये बॉटल अपने हाथ से उतार दिया, उस तरीके से आपको अपने दिमाग से वो थॉट्स, वो विचार जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको डिप्रेशन के साइड में लेके जा रही है, ओवरथिंकिंग के साइड में लेके जा रही है, उसको आपको निकाल के फेंकना है। ये बॉटल उतारना बहुत ईजी था, ये मैं समझती हूँ। माइंड से जो आपके बचपन से या आपके कुछ वक्त से, साल से, दो साल से, तीन साल से अगर कुछ बातें ऐसे चल रही है, मैं समझती हूँ कि उसको इतना जल्दी बाहर निकालना नामुमकिन है, मुश्किल है, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे उस पर एक कोशिश करना शुरू करोगे, तो क्योंकि आपको उस पर उसको फॉलो करना है, आपको जानना है, आपको समझना है कि एक मानसिक स्थिति से आप गुजर रहे हो, और उसको आपको ख़त्म करना है, ये आपको अपने आप से रियलाइज़ करना है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको थेरेपी लेनी है, आपको मिलना है डॉक्टर से, आपको बताना है, या नहीं तो आप किसी अपने जिन पे आप भरोसा करते हो उनको आप बता सकते हो। रीज़न होता है कि डिप्रेशन को हम इतने हल्के वे में ले लेते हैं कि ये डे बाय डे ये सोचते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उनके सिम्टम्स हम जानते हुए भी उसको नज़रअंदाज करते हैं, और ये धीरे धीरे सीरियस डिप्रेशन का रूप ले लेता है, और उसके बाद में ये ट्रीटमेंट करना बिल्कुल कि आप सोचोगे अच्छा एकदम से ये ख़त्म हो जाएगा, वो नामुमकिन होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, वो आपके विल पावर के साथ में, आपके समझने के साथ में, जब अगर आप समझते हो, अगर आप जानते हो कि हाँ आप प्रॉब्लम के साइड में जा रहे हो, आपको बाहर निकलना है, तो आप अगर ये बात समझ गए हो, तो समझने के साथ आपका विल पावर भी काम करेगा। जब हम समझ जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें ट्रीटमेंट करना है, तो उसके बाद में हम उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे जो मानसिक स्थिति जो ग्रसित हो गई है, जो डिप्रेशन के साइड चली गई है, जो डिप्रेस्ड हो गई है, तो वो चीज़ें खत्म होने लगती है। अब डिप्रेशन का रीज़न कोई एक, जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन का कोई एक रीज़न नहीं होता, क्योंकि हम सोच लें कि एक ही रीज़न है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, कई बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो पहले हमारे साथ में, कई ऐसे जो मैंने अपने कुछ बहुत कहते हैं ज़्यादा तादाद में जो देखा है पेशेंट को, वो बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं,
जैसे हम डायरी मेंटेन करवाते हैं, मैं एक थेरेपी कराती हूँ उनके सारे बातों को, जो जो बातें उनको क्लिक होती है और जो उन्हें तकलीफ भी दी है, तो एक पहले हम उनकी पहले बायोग्राफी निकालते हैं, तो वो उस बातों में पहले बता चुके होते कि हमारे साथ बचपन में ये हुआ था, बचपन में ऐसे थॉट्स क्रिएट होते थे, बट ना तो पेरेंट्स उस बातों को ध्यान देते थे, ना तो दोस्त और ना तो कोई समझने वाले नाते रिश्तेदार, कोई हमारी बात नहीं सुनते थे, जबकि हमें लगता था कि हमारी कोई बात सुने, हम सुनाने के लिए जाते थे पर हमें हटा दिया जाता था। तो ये रीजन होता है। मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए अभी बात करने वाली हूं कि अगर बच्चे आपके 5 साल 4 साल 10 साल 12 साल अगर वो बच्चे हैं, अगर आपको नॉर्मल बच्चों से अगर अलग दिखते हैं, जो सोशलाइज नहीं होते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कोई बात नहीं करते किसी अच्छे फंक्शन या अच्छे जो लोगों से लोग मतलब गैदरिंग में जाना मतलब वो नहीं चाहते हैं, तो आप अलर्ट हो जाओ, आप सतर्क हो जाओ, आप जानो, अपने बच्चों से बात करो, उनसे उनके जो मानसिक स्थिति है उनको जानने की कोशिश करो, उनके अंदर क्या थॉट्स चलता है ये आप बातें करो उनसे, क्योंकि ये वक्त होता है जब आप देखो कि कुछ और बच्चों से मेरा बच्चा कुछ अलग दिख रहा है, तो इस वक्त आपको अपने बच्चों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे, कई बच्चे अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि ये पढ़ाकू बच्चा है, ये किसी से मिलता नहीं है, कई बार पेरेंट्स को मैंने कहते सुना है कि हमारे बच्चे ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती है, मगर आप देखते हो अगर कंटिन्यू ये ऐसा बना हुआ है कि सचमुच में बच्चे आपके दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, वो उस तरीके से नहीं मिलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते नहीं है, हंसते बोलते नहीं है, उनके फ्रेंड्स कम हैं, तो आप जानो कि ये प्रॉब्लम है। आप जानने की कोशिश करो कि आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका राइट बनता है एज अ पेरेंट्स कि आपके बच्चे का ये ग्रोइंग टाइम है, और इस वक्त क्योंकि बच्चे तो सारे घुलने बिलने सॉरी हंसने बोलने वाले होते हैं, कई सारे मतलब बच्चे जो है वो कई लोगों को के साथ में मन लगाने वाले होते हैं, बच्चों के साथ में बात करना अच्छा लगता है, कई तरीके के ऐसे हंसी मजाक करते हैं बच्चे, तो बच्चे अगर अचानक से चुप हो जाए तो ये रीज़न होता है कि आखिर उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो शांत हो गए। क्योंकि अगर हम बेसिक अगर बेस देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आपने देखा कि कुछ अलग ही सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं हमारे बच्चे में, तो वो उसको नज़रअंदाज ना करके आप उनसे बातचीत करो, खुलो एक फ्रेंड की तरह आप अपने बच्चों से बात करो कि आप किसी दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हंसते बोलते हो, क्यों नहीं दूसरों के साथ में खेलते हो, क्यों नहीं आप जैसे बच्चे स्कूल में डिबेट करते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, कुछ ऐसे मतलब कुछ कैरिकुलम होता है या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, अलग अलग चुप चुप आप क्यों रहते हो। मैंने अभी देखा है इस टाइम में कि स्टूडेंट लाइफ ना इतना ज़्यादा सीरियस लेने लगे हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है स्टडी के कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है यहाँ पे, ये कुछ कंपटीशन होते हैं यहाँ पे, उन सब को लेके बच्चे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उन बातों में कि वो डिप्रेशन के साइड में चले जाते हैं, क्योंकि ये होता है कि वो सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटिशन आगे आगे और आगे बढ़ना है, आगे आप बढ़ो एक, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है, आपको अपनी मानसिक स्थिति भी सही रखनी है, आपको मिलना जुलना भी होगा, आपको हंसना बोलना भी होगा, आपको दूसरे बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना भी होगा, तो ये ज़रूरी है, ये आम लाइफ में है, और ये करोगे तो आप और इजीली पढ़ सकते हो, और इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हो, या और इजीली जो आपके सामने जो चैप्टर है उसको अच्छे से आप रीड कर सकते हो, या उसको मेमोरीज में मतलब अडॉप्ट कर सकते हो अच्छे से। तो ज़रूरी है कि आप
अगर लगता है उन बच्चों को भी, जो बच्चे बड़े हैं, जो समझदार हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वो रियलाइज़ हो जाता है, हमारा माइंड हमें कह देता है, हमें पता चलता है कि और बच्चों की तरह मैं सबसे घुलता मिलता क्यों नहीं हूँ, मैं और बच्चों की तरह सबसे बात करता क्यों नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप अपने टीचर से बात करो, या कुछ अच्छे फ्रेंड्स आप बनाओ जिनसे कि आप बात कर सकते हो, क्योंकि बात करने से ही समस्याओं का सोल्यूशन निकलता है। अगर जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक उन बातों का जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत सारे ऐसे, भी आप देखोगे कि काउंसलिंग करने के लिए कई ऐसी थेरेपी है जिन सबों से ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि इसको अदरवाइज ना ले। लोग कहते हैं इसे बीमारी का हम रूप क्यों दे, लेकिन नहीं, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि जिससे कि ज़िंदगी बिल्कुल हेल हो जाती है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, आप बिल्कुल अपनी पूरी दुनिया से कट जाते हो। क्योंकि आप देखोगे, जैसे मैंने कितने सारे वीडियोस में सारे सिम्टम्स बताए हैं कि एक आपको ये सुसाइड के थॉट्स, मतलब कि थॉट्स वाले सिम्टम नज़र आने लग जाते हैं, आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, जबकि दुनिया बहुत अच्छी है, हमें एक ज़िंदगी मिली है और इस ज़िंदगी को हमें बहुत अच्छे से जीना है। पता नहीं आगे का, बहुत नॉर्मल शब्दों का उपयोग करके मैं कहती हूँ कि आगे की ज़िंदगी क्या होने वाली है हमें नहीं पता है। जो ज़िंदगी मिली है उसको हम सवार के और सजा के और अच्छी तरीके से जी लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल निगेटिव थॉट्स के साइड में जा रहे हो, बहुत अच्छी बातें हो रही है लेकिन आप फिर भी उससे खुश नहीं हो रहे हो, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपका आपके घर में अच्छा हो रहा है, आपके साथ में सबका बिहेव अच्छा है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो रहे हो, तो रीज़न क्या है? रीज़न ये मानसिक स्थिति की है, ये प्रॉब्लम है। जिस तरीके से इस तरीके की जो साइकोटिक अगर थॉट्स आते हैं आपके, तो ये आप, क्योंकि ये साइकोटिक थॉट्स वैसे होते हैं कि नींद नहीं आना और ये सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर आना, वो नज़र आना कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जीने से क्या फ़ायदा, तो ऐसे थॉट्स आते हैं मन में। तो इस तरीके के थॉट्स अगर क्रिएट होते हैं तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और आप अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से, या आपको लगता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो तो आप करो। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिप्रेशन में लक्षण जो होते हैं, भूख नहीं आती है, समटाइम भूख बहुत आती है, नींद नहीं आती और समटाइम नींद भी बहुत आती है, लेकिन नींद रात को नहीं आती है, नींद दिन को बहुत ज़्यादा आती है। आप थकान महसूस करते हो, आप लो फील करते हो, आप किसी भी ऐसे जो गैदरिंग होती है उसमें जाना आप पसंद नहीं करते हो, आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप कमरे में अंधेरा करके रखते हो, क्योंकि आपको रोशनी से, आप जो जहाँ पे बहुत रोशनी है वहाँ से आप दूरी बना लेते हो, आपको अंधेरा कमरा अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह आपको पसंद नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे, मतलब आप बिल्कुल एनर्जी फील नहीं करते हो। और अपने आप को सबसे बड़े रीज़न, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे जो ज़्यादा थॉट्स क्रिएट होते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो अपने आप को दुनिया का सबसे मतलब गया गुजरा इंसान समझते, वो बस उनके अंदर एक ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये जो काम है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये जो दुनिया है मेरे लिए नहीं बनी है, ये जो खुशी का माहौल है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो अगर ऐसे, तो आप डॉक्टर से या अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताओ, खुल के बताओ जो प्रॉब्लम हो रही है। हर प्रॉब्लम का सलूशन है, कोई भी मत समझो कि मैं डिप्रेशन के साइड में जा रहा हूँ तो इस बातों को मैं नहीं बता सकता हूँ। ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं तो उसको हम दबा देते हैं, ये लोग ये समझने लग जाते हैं कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कहीं मैं चार लोगों के बीच में खड़ा रहूँगा तो शायद कहेंगे कि ये डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, मैं जानती हूँ। लेकिन आप फिर भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको समझेंगे, जो आपको जानेंगे, तो आप उनसे अपनी बातें शेयर करो, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो और आप ज़रूर बताओ कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है।
मैं सोचती हूँ कि आज, क्योंकि ये चीजें हैं कि मेरे साथ में एक 11 साल का बच्चा है जो डिप्रेशन का, और वो भी सीरियस डिप्रेशन का मतलब पेशेंट है। तो 11 साल क्या होता है, मैं ये समझती हूँ कि क्या 11 साल में उनको क्या समझ में आती है। मेरी बेटी भी 10 साल की है और वो चीज़ें, मैं इतने छोटे से बच्चे क्या समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है। और वो बिल्कुल चुप रहना, सीरियस, और इतनी मतलब वो इतने बड़ी बातें करता है कि उसको बताना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चलती है। बट इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि आप अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स देख रहे हो तो प्लीज़ उनको उनसे आप तुरंत बात करो, और आपको लगता है कि सचमुच में ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको डिप्रेशन के नज़र आ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि कई बार ना जैसे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी में तो वही घबराहट होती है, आपको बेचैनी महसूस होती है, अंदर अंदर घुटन महसूस होता है, पसीने आने लग जाते हैं, कई बार ये बेहोशी का रीजन बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, और यही चीज़ें होती हैं कि फिर आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपका अगर सही रहना है, आपको अगर स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के साइड में नहीं जाते, अदर प्रॉब्लम को जानते, इस प्रॉब्लम को हम नज़रअंदाज करते हैं, और डे बाय डे ये हम एक दिन देखते हैं, दो दिन देखते हैं, दिन और इसको छोड़ते हैं कि ये नॉर्मल जो डे में है या जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वजह से ये शायद मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो रही है। मगर नहीं, अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा ये प्रक्रिया चल रही है तो आप फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से मिलो और उसका ट्रीटमेंट आप शुरू कर दो। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। आप मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं अपना नंबर छोड़ दूँगी, आप मुझसे बात कर सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी मेरे से मिल सकते हो। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो सावधान हो जाओ और अपना हेल्थ और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ गई होगी, और अपने जो मेंटल हेल्थ का है उसका आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ ऐसी बातों के साथ में, कुछ अच्छी, कुछ सच्ची और कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातों के साथ में। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, उसको बहुत आराम से, बहुत आसान बना के, बहुत सरल बना के, और जिंदा दिल से, क्योंकि ज़िंदगी जितना जिंदा दिल से जी जाए ना तो उतना आसान हो जाती है। तकलीफ़ों का क्या है, तकलीफ़ें तो आनी जानी है, क्योंकि लाइफ है। अगर ज़िंदगी मिली है तो सब कुछ यहीं पे अपनी लाइफ के अंदर में ही देखना है। और अगर आप अपने आप को ब्रेव और अपने आप को कहते हैं ना वीरता का अगर अनुभव कराना चाहते हो तो लड़ो हर मुसीबत से। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बोलो कि ठीक है प्रॉब्लम, बट इसका सलूशन भी है, इसका ट्रीटमेंट भी है। उम्मीद है बिल्कुल सारी बातें मेरी फॉलो करोगे और आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में हंसते मुस्कुराते, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम, हर हर महादेव।